प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आना दावतु अबी इब्राहिम, के लोगों मैं अपने जद अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ हूं, और इदा मतलब की है, कुरान पाक पढ़ोगे, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जदों खाना काबा तामीर किया, खाना काबा तामीर करके एक रसूल दी आमद दी दुआ मंगी कि या अल्लाह साड़ी नस्ल चो एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जेड़ा कुरान दी आयतां पढ़ के सुनावे, लोगां दे दिलां नूं पाक करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लोगां नूं इलम ते हिकमत दीआं गल्लां सिखावे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम ने जिस रसूल दी दुआ मंगी है रसूल और कोई नहीं, मैं आमीना दा नाम। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वबशारतु ईसा, के लोगो मैं ईसा अलैहिस्सलाम दी खुशखबरी, ईसा अलैहिस्सलाम ने की खुशखबरी दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम ने फरमाया, वा मुबशिर रब्बी रसूल यक्ति मिन बाद इस्मुहु अहमद, के लोगों मेरे तो बाद एक रसूल आएगा जेदा नाम अहमद होएगा। प्यारे आका ने फरमाया और रसूल भी मैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जात ने के जिन्ना दी आमद दी खुशखबरी रसूल भी देते गए, नबी भी दसते गए ने के दुनिया वालेओ एक रब दा रसूल आएगा, रब दा महबूब आएगा, लोग जेनो आमिना दा लाल आखणगे। ते अगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व रुया उम्मी जल्लती रुअत हीन वदअतनी कद खरज लहा नूरुन अदा अलहा मिनहु कुसूर शाम, कि मैं अपनी वालिदा दा ओ ख्वाब आ जेड़ा के मेरी वालिदा ने मेरी विलादत दे वक्त वेख्या, और ख्वाब की वेख्या हजरत आमिना फरमांदिया ने कि मेरे बतन दे विचों मेरे जिस्म दे विचों एक नूर खारज होया, उस नूर दी चमक दिसनी सी कि उस नूर दी चमक नाल मैं मक्के च बह के मुल्के शाम दे महल्लात वेख लए। प्यारे आका ने फरमाया कि वो नूर और कोई नहीं, मैं मुहम्मद हां। ते समात फरमाओ और गौर करो कि जिस नबी दे नूर दी बरकत नाल हजरत आमिना मक्के च बह के मुल्के शाम दे महल्लात वेख सकदियां ने, ओ नबी अज अपने रोजे च बह के साडा मिलाद क्यों नहीं वेख सकदे। ते जिस बंदे दा ईमान है के मदीने वाला साड़ी आवाज भी समात फरमांदा है, नजरे करम भी फरमांदा है, एक मर्तबा मुहब्बत नाल आखे जरा सुभान अल्लाह। चूंकि महफल खास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी है, आमद मुस्तफा दे हवाले नाल कुछ कहना चाहवांगा। शायर ने कलम उठाया, क्या ही खूब फरमाया कि मक्के विच नबी दी आमद ते हो गईयां रोशनाइयां ने। हजरत आमिना फरमादिया ने, मैं प्यारे आका दे नूर नाल मक्के च बह के मुल्के शाम दे महल्लात वेख लए। शायर ने कलम उठाया, क्या ही खूब फरमाया कि मक्के विच नबी दी आमद ते हो गईयां रुसनाइयां ने, आमिना पाक नो सारियां हूरां देन मुबारक आईयां ने। ते जदों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते नहीं आए, कुल्ली कादी सी, बस कखा दा इक ठारा सी, कुल्ली कादी सी, बस कखा दा इक ठारा सी, ओदी हालत माड़ी सी, ओदा हाल भी माड़ा सी, पर जागे बख्त हलीमा दे जदो करम कमाया साईयां ने। ते नूर दे मोतियां नाल सजाया अल्लाह पाक ने सहरे, नूर दे मोतियां नाल सजाया अल्लाह पाक ने सहरे नू, चन वर्गा ना आखो मेरे पाक नबी दे चेहरे नू, क्यों? क्योंकि मेरे आका दे मुखड़े उत्ते चन तो वध रोशनाइयां ने। मक्के विच नबी दी आमद ते हो गईयां रोशनाइयां ने, सारियां हूरां आमिना पाक नो देन मुबारक आईयां ने। ते जो कुछ तेरे कोल उस दे ना तो लटाउंदा रह, जो कुछ
تیرے کولے اس تے نام تو لٹاؤندا رہ جے سونے نال پیار ہے تا پھر میلاد مناؤندا رہ عاشق لوگا کم دیاں گلاں سانو اے سمجھائیاں تے آخری مصرع ہے سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا کہ دھوپ دے وچ وی سہیل فاروقی گل نہ بندی چھاواں دی آمینہ بی بی نہ ہندی تے قدر نہ ہندی ماماں دی جس بندے نو گل دی سمجھ آئی اور ایمان وی محبت نال کہ سبحان اللہ کہ دھوپ دے وچ وی سہیل فاروقی گل نہ بندی چھاواں دی آمینہ بی بی نہ ہندی تے قدر نہ ہندی ماماں دی ارے نبی دی ماں دا صدقہ سب ماماں شانہ پائیاں نے مکہ وچ نبی دی آمد تے ہو گئیاں روشنائیاں نے آمینہ پاک نو ساریاں حوراں دین مبارک آئیاں نے تو اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد عرفان صاحب ان کی آمد سے پہلے محبت سے نعرے کا جواب دیتے ہوئے استقبال کریں نعرہ تکبیر بابا زبلند محبت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی